ओके, सो थर्ड रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, अगेन एज द नेम सजेस्ट, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स इन जनरल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मीन इन जनरल मीन्स किसी को किसी की जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, राइट? तो इस रिएक्शन में भी यही चीज होती है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है. लेकिन कौन सा एलिमेंट कौन से दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटाएगा, इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है. मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट जाके दूसरे किसी एलिमेंट को हटा देगा. सो वी हैव अ रिएक्टिविटी सीरीज फॉर दिस. ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे बना रखी है मैंने. इसके साथ एनसीईआरटी में भी तुम्हारे पेज नंबर 45 में चैप्टर नंबर 3 में एक ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है. ओके, तो वहां से भी इसको लर्न करना बहुत जरूरी है. इसे लर्न किए बिना हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है हम उसे नहीं कर पाएंगे. क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट से हटा देता है. अब अगर आपको यही नहीं पता होगा विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट इफ द करेक्ट रिएक्शन इज करेक्ट और रॉन्ग, राइट? अगर मैं अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आयरन, मैंने आयरन लिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को डाल दिया, तो मेरे पास आंसर में क्या आ गया, प्रोडक्ट में क्या आ गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, राइट? अब अगर बच्चे को यही नहीं पता होगा कि आयरन और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता. मैं इसका ऑपोजिट दे दूं, इफ आई विल राइट सी यू हेयर, कॉपर हेयर एंड एफ एस ओ फोर हेयर, सो आंसर विल बी, मीन्स इट विल लीड टू नो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी. कॉपर एफ एस ओ फोर में से एफ ई को नहीं हटा सकता क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, राइट? लेकिन वो कब कर पाएंगे हम, वेन वी नो, वेन वी हैव लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज. तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम. मींस कोई भी चीज है और पोटेशियम दूसरी साइड पे अगर है तो हम आराम से उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, राइट? और लीस्ट रिएक्टिव में हमारे पास प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें आ जाती हैं. मतलब इनको तो कोई भी, इनके ऊपर कोई भी एलिमेंट होगा वो इनको वहां से डिस्प्लेस कर देगा, फाइन. एक और रिएक्शन मैंने दी हुई है जिंक प्लस एचसीएल की. इसमें भी देखो जिंक यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है, मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके अपने सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, फाइन. इसका एक हमारे पास एक्टिविटी भी है, मतलब हम प्रैक्टिकल करते हैं इसको लैब में. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, उसमें आयरन पाउडर्स डालते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है इट टर्न्स इनटू ग्रीन, और उसके साथ साथ जो हमने आयरन डाला था वो सारा, एक तो सोल्यूशन चेंज हो गया, वो एफ ई एस ओ फोर का सोल्यूशन बन गया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की बजाय अब वो क्या बन गया, एफ ई एस ओ फोर. और कॉपर, कॉपर का कलर हमें पता है रेडिश ब्राउन सा होता है, रेडिश ब्राउन कॉपर हमारा अलग होना शुरू हो जाता है. तो जैसे जैसे टाइम पास होता है ये हमें क्लियरली नजर आने लग जाता है कि कॉपर अलग होता जा रहा है और एफ ई एस ओ फोर का सोल्यूशन बनता जा रहा है. सो दिस इज द इजिएस्ट रिएक्शन इन सारे टाइप्स में, बहुत ईजी है, ओनली इफ यू हैव रिमेंबर, इफ यू लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज. वंस यू हैव डन दिस रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना इज नॉट अ बिग टास्क. ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन. ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा था. यहां पर क्या होता है, बस दो हमारे पास कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड दे बोथ आर आयोनिक कंपाउंड, उनके आयन्स है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे से अपने आयन्स को चेंज कर लेंगे, दैट्स इट. जैसे यहां पे हमारे पास जैसे एग्जांपल दिया हुआ ए बी प्लस सी डी, तो इनके आयन्स आपस में एक्सचेंज हो गए, एक का आयन दूसरे के पास चला गया, दूसरे का आयन दूसरे के पास चला गया. तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो चीजें डिस्प्लेस हो रही है, दैट्स वाई इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट. नाउ हैव अ लुक ऑफ एक्सपेरिमेंट, दिस एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, फाइन. यहां पे क्या है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड, तो दो आयन है, बेरियम का आयन है और क्लोरीन का आयन है. हेयर वी हैव आयन ऑफ सोडियम एंड सल्फेट. अब यहाँ के रिएक्शन प्रोडक्ट में क्या हुआ, हमारा ये वाला आयन इस वाले आयन के पास चला गया, ये वाला जो है ये इसके पास जाएगा, इसके पास नहीं जा सकता बिकॉज दे टू आर पॉजिटिव पॉजिटिव. तो हमारा सॉल्ट कैसे बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से अनायन और कटायन के मिक्स होके बनेगा, फाइन. तो ये आयोनिक कंपाउंड से एक अनायन होगा एक कटायन होगा. यहाँ पे क्या है, बी ए टू पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव, ये वाला हमारा बी ए टू पॉजिटिव है, दिस इज सी एल नेगेटिव, हेयर इट इज एन ए पॉजिटिव एंड एसओ फोर टू नेगेटिव. तो यह जब हमारा प्रोडक्ट बन के आया, ये आ गया बी ए पॉजिटिव, एक आयन आ गया हमारे पास ये वाला,
और एक आ गया ये वाला, फाइन। और सिमिलरली दिस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब होता क्या है, जब इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं तो कई बार हमारे इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक पाउडर्ड फॉर्म में एक क्या हुआ, एक सोल्यूशन बना और नीचे कुछ पाउडर सा नीचे को बैठ गया, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो अगर हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसके साथ साथ प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे मैंने इस वाले में भी क्या होता है, इसमें बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, यहाँ पे हमारा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड बनेगा इसका भी प्रेसिपिटेट बनेगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब हम बेस और एसिड को कंबाइन करते हैं। जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके अपने जो आयन्स है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ये Na पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव एक साथ हो गए, और दिस H पॉजिटिव एंड दिस OH नेगेटिव ये दोनों एक साथ हो गए, इन्होंने वाटर बना लिया मिक्स होकर। तो जब इन्होंने क्या किया, बेस और एसिड ने आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना दिया। वाई वी आर कॉलिंग इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर रहा है, एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, एक बिल्कुल बीच में आ जाना, मीडियम में आ जाना, जहां पे कोई भी चीज ना ज्यादा है ना कम है। तो ये वाली चीज जो बन के आई, नाइदर इट इज एसिड नॉर इट इज बेस, इट इज न्यूट्रल। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू।